पॉइंट मिलते हैं क्या? ठीक है, कहाँ कहाँ पे गोडाउन टीम को पॉइंट मिलते हैं? सबसे पहला नंबर है आर्टिकल नंबर 10, 10 नंबर पे देखो आपको मिलेगा गोडाउन, गोडाउन एट 10 AM पर CRM। ठीक है, गोडाउन पे आपको 10 बजे आके अपने CRM अकाउंट पे लॉगिन करना होता है, उसके आपको 50 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, आप तो गोडाउन पे रहते हो, ठीक है, तो 10 पहले पहले अपने CRM पे लॉगिन करो, सो दैट अपना 50 पॉइंट वहाँ से आपको मिल जाए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है आर्टिकल नंबर 16, 16 नंबर पे देखो उस पर लिखा हुआ है गोडाउन एट 1 PM इफ लास्ट डे ऑन सेटअप इन नाइट। अगर लास्ट डे अगर आप सेटअप पे थे, ठीक है, और उसके बावजूद भी आप सुबह 1 बजे काम करना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो आपको 50 पॉइंट मिलते हैं उस दिन पे। ठीक है, और अगला पॉइंट है आपका गोडाउन का, गोडाउन का अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 24 नंबर पे देखो, 24 नंबर पे लिखा है पर डे पॉइंट पोस्टिंग इन MPA ग्रुप। सिर्फ इतना सा करना होता है, हर रोज आपको जितने आपके पॉइंट्स बने हैं, ठीक है, आज तक के, वो टोटल करके आपको ग्रुप में डाल देना है कि मेरा आज अजय, ठीक है, अजय MPA पॉइंट 500, ठीक है, और आज के पॉइंट है 10 पॉइंट ड्रेस के, 20 पॉइंट इसके, 50 पॉइंट इसके, अपना डाला, अपना पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके आपको सिर्फ वो पोस्टिंग करने करने के 20 पॉइंट मिलते हैं MPA में, ताकि आप डेली पोस्टिंग होती रहे वहाँ पे। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल नंबर 34, जो आपकी क्वेरी थी कि सेटअप जब निकालते हो तो क्या पॉइंट है, कैसे क्या है, ठीक है, उसका ये है 34 नंबर पे आप देखो ड्रेस पर पर्सन, क्या जिस भी बंदे को ड्रेस अलॉट की गई है उसकी ड्रेस होनी चाहिए। अगर किसी बंदे को ड्रेस अलॉटेड नहीं है, क्या, तो उसकी ड्रेस हम काउंट करते हैं एक शर्ट, उसकी जीन्स या जो भी पैंट वगैरह होगी, और उसने शूज पहन रखे हो। ठीक है, है? मैं वही कह रहा हूँ, अगर ड्रेस नहीं है तो ये ड्रेस में काउंट होता है, उसके पर पर्सन आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। इसमें ये काउंट कैसे होता है, मैं एक मिनट, इसमें ड्रेस क्या, मेरा पहना गिला हुआ है। हाँ, सब ड्रेस इवेंट कंपनी के थ्रू काम होता है, उसमें ड्रेस नहीं पहन सकते सर। वो आप फिर आप प्रॉपर ड्रेस में हो ना, मतलब शर्ट में हो, इस तरीके से। ठीक है, शर्ट को ड्रेस में काउंट किया जाता है, अदरवाइज अगर आपने टी शर्ट पहन रखी है, क्या अपनी पर्सनल टी शर्ट पहन रखी है, तो वो ड्रेस में नहीं आती, कंपनी की ही टी शर्ट ड्रेस में आती है। ठीक है, और ड्रेस के पॉइंट कैसे मिलेंगे, जो आप सारी टीम वहाँ पे गए हो, किसी बंदे को पकड़ो, उनको भाई हमारे सबके फोटो खींच दे कि भाई हम इस साइड पे हैं, ठीक है, सबकी फोटो खींची, ग्रुप में डाली, उस ग्रुप में जो उस फोटो में जो जो ड्रेस पे हुए उसके 10-10 पॉइंट आपने कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, अगला है 35 नंबर सेटअप इंस्टॉलेशन पर पर्सन, क्या जो जो बंदा सेटअप के इंस्टॉलेशन में शामिल था, मतलब ड्रेस के लिए 35 नंबर पे, जो जो बंदा उस सेटअप के इंस्टॉलेशन में शामिल था, चाहे वो कोई भी सेटअप हो, चाहे वो बैलून डेकोरेशन हो, चाहे वो डीजे का सेटअप हो, चाहे वो स्टेज का सेटअप हो, ठीक है, आपको पूरे ग्रुप की फोटो खींच कर डाल दी ना कि ये बंदा इस साइट पे है, ठीक है, इस बंदे ने सेटअप इंस्टॉल किया है। जो जो बंदे ने सेटअप लगाने में मदद करी है उसको काउंट होता है 20 पॉइंट। क्या काउंट होता है? 20 पॉइंट। ठीक है, सेटअप का चालान 36 नंबर पे देखो, चालान लिखा हुआ है। ठीक है, 36 नंबर पे जो चालान लिखा हुआ है, चालान मतलब उस सेटअप का जो चालान बनेगा, ठीक है, उस सेटअप का चालान जो है वो जो भी बंदा बना के साइन करेगा उस चालान पे, जिस भी बंदे के साइन होंगे, ठीक है, उस बंदे को 10 पॉइंट मिलेंगे। इसको हम चेंज करके 50 पॉइंट करेंगे कि पर चालान बंदा जो भी साइन कर रहा है उसको 50 पॉइंट मिला करेंगे अब से। ठीक है, सेटअप नंबर देखो आर्टिकल नंबर 37, आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है ऑन टाइम सेटअप प्ले एज ए कैलेंडर पर पर्सन। जो भी उस सेटअप में शामिल है, क्या जो भी उस सेटअप में शामिल है, अगर वो सेटअप कैलेंडर में लिखा है 5 बजे, क्या 5 बजे लिखा हुआ है, अगर वो सेटअप 5 बजे से पहले प्ले हो जाता है, क्या हो जाता है, पहले प्ले हो जाता है, ठीक है, तो पर पर्सन उसको 20 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, उसकी प्ले की वीडियो आपको पहले ही डालनी पड़ेगी, तो सो दैट वो कंफर्मेशन होगा। अब सेटअप हो गया, प्ले भी हो गया, सारी चीज होगी, अब आता है क्लाइंट का फीडबैक। ठीक है जी, तो 39 नंबर पे लिखा है पर रिव्यू जी मैप पे, गूगल मैप पे, ये तो आप लोग कर भी रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, तो उसके 200 पॉइंट है गूगल मैप पे रिव्यू डाले। गूगल मैप के साथ साथ फेसबुक पे भी रिव्यू डालते हैं, क्या डालते हैं, जैसे गूगल मैप पे आप डीजी इवेंट एंटरटेनमेंट सर्च करते हो, फेसबुक पे सर्च करो डीजी इवेंट एंटरटेनमेंट, और वहां पे भी आप रिव्यू डाल सकते हो, 150 पॉइंट मिलते हैं, क्या
तो टेक्निकली एक ही इवेंट के दो जगह पॉइंट आप कमा सकते हो रिव्यू के, एक फेसबुक पे, एक गूगल पे और एक हो गया लिंक्डइन पे। टोटल आपका जो रिव्यू के जो पॉइंट बनते हैं ना टेक्निकली, तो वो बनते हैं 200 प्लस 150 प्लस 150, ठीक है, दो आपके 200 प्लस 150 150 पॉइंट्स के हिसाब से वो क्वांटिटी रहती है, ठीक है। तो 500 पॉइंट्स आपके सिर्फ रिव्यू के मिलते हैं तीनों वेबसाइट पर। लिंक्डइन एक वेबसाइट है जैसे फेसबुक और गूगल मैप है, वैसे ही लिंक्डइन पे हाँ, वैसे ही लिंक्डइन पे है। तो क्लाइंट जो कॉर्पोरेट का क्लाइंट होगा ना वो हो ही नहीं सकता लिंक्डइन पे ना हो क्या। और लिंक्डइन पे अपने डीजी इवेंट सर्च करो, उस पर डीजी येलो वाला लोगो आएगा जो हमारा उस वाले रूम में लोगो है ना, ये वाला कलर का डीजी इवेंट ये लोगो आएगा, ठीक है। तो ये वाले लोगो पे आपको रिव्यू डलवाना है, वहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आता है इस कंपनी के बारे में आपका क्या फीडबैक है, ठीक है जी। अब आता है वो महाभारत जो आप लोग ग्रुप में फालतू में कर रहे हो, ठीक है, पोज कर दे, ठीक है। तो रिव्यू के पॉइंट्स हो गए, रिव्यू के बाद वो महाभारत जो आप लोग सब कर रहे हैं ग्रुप भर देते हैं दुनिया भर के फोटो खींच खींच के, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्या। अब आर्टिकल नंबर 42 और 43 देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है पिक इन द ग्रुप फर्स्ट 7, क्या पहली 7 फोटो किसी भी इवेंट की पहली 7 फोटो को ही पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो 7 फोटो के कितने पॉइंट है 40, ठीक है। पिक इन ग्रुप फर्स्ट 7, 7 ही फोटो के पॉइंट मिलते हैं, बाद में आपसे 100 डाल दो उनके पॉइंट्स आपको नहीं मिलते। दूसरा तो और वीडियो तो डालते हैं पहला जो आदमी 7 फोटो डालेगा उसी को मिलेगा, 7 फोटो जिसको पहले आकर अच्छे से फालतू में नहीं, कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं फोटो खींच के इसमें गलत है, लेकिन हम लोग तो काम कर रहे हैं, जो फ्री रहेगा वही ना 50 मारेगा, तीनों को ही गेम सर, ठीक है। अनिकेश भाई अपना फोटो के साथ मारते थे, हम लोग काम करते रहे हैं इसमें, तो इनका तो उसके बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, जो भी है एक भी है उसके, मैंने इसलिए ना इसको बल्कि और भी कम करेंगे हम, 7 फोटो को 7 पॉइंट मिले, फिलहाल इसके 40 पॉइंट होते हैं 7 फोटो के, ठीक है। और वीडियो जो भी 1 मिनट की हो, क्या 1 मिनट से छोटी किसी भी वीडियो का कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। वीडियो 1 मिनट की होनी चाहिए और कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है, 2 वीडियो 1 मिनट की होनी चाहिए और उसके 50 पॉइंट है, ठीक है, मतलब 25 पॉइंट एक वीडियो। वो मैं देखते हैं मेन पॉइंट्स कहाँ मिलते हैं आप सबको, क्या आर्टिकल नंबर देखो 44 नंबर है, क्या है 44 नंबर से लेके और आर्टिकल नंबर यहाँ तक 55 तक, ये है मेन पॉइंट्स आपके, क्या जो फोटो वीडियो के, हर एक बंदे को ये कहा गया है बार बार ये कहा गया है कि अपने फोन पे फेसबुक अकाउंट बना लीजिए कंपनी आईडी से, क्या कंपनी आईडी से फेसबुक अकाउंट अपने ही नाम से बनाना है आपको, कंपनी आईडी से बनाना है बड़ा, क्या उसमें मेल आईडी क्या डालोगे जो कंपनी का है, जैसे आपका है anil@vidik.in, ठीक है, ajay@ जहाँ फेसबुक मेल आईडी मांगते हैं ना उस जगह पे ये डालोगे आप, ठीक है। अब आपने वो मेल आईडी डाल लिया, उस मेल आईडी के ऊपर कोड आता है, वो कोड आएगा प्रियंका मैम के पास या फिर वो किसके पास है विक्रम एक्टिवेट, प्रियंका इन्हीं के पास है, रजनी के पास भी एक्टिवेट है सर, नहीं मना कर दिया उन्होंने, हाँ रजनी के पास मना कर दिया उन्होंने, मैंने कोई मुझे मेल आईडी मंगाई थी, पता है रजनी के पास एक्टिवेट है, ठीक है, मैंने एक्टिवेट किया, तो रजनी के पास कोड आएगा, ठीक है, और इन दोनों से आप कोड पूछ लीजिए भाई ये कोड आया होगा, ठीक है, वो कोड उसमें डालोगे तो फेसबुक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। उस फेसबुक अकाउंट पे आपको अपना डेली डेली एक टारगेट लेके चलना है कि मुझे 10 नए फ्रेंड बनाने, वो कोई भी बनाओ आपकी मर्जी, क्या 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी, ज़्यादा नहीं भेजनी, क्या भेजना किसी को भेजो हमें उस मतलब नहीं, ठीक है, जो 10 फ्रेंड आपको हर रोज ऐड ऑन करते रहो ताकि ज़्यादा लाइक और ज़्यादा व्यू आ सके, ठीक है, क्योंकि पर व्यू और पर लाइक के पॉइंट्स होते हैं। तो आपने ऐड कर लिया, ठीक है, अब क्या करना है उस फेसबुक अकाउंट में आपको वो लिंक मेरे को शेयर कर देना, इस नाम से फेसबुक अकाउंट बनाया, ठीक है, ताकि हम वो पॉइंट को स्टडी कर सकें। उस फेसबुक अकाउंट में आपको पोस्ट करने हैं फोटोग्राफ 2 कम से कम और 1 वीडियो, क्या पर जिस इवेंट पे आप हो उस इवेंट की उठाई फोटो, उस इवेंट की उठाई वीडियो, ठीक है, और वो आपने पोस्ट कर दी फेसबुक पे, क्या
तो आपको वीडियो के मिलता है 20 पॉइंट और फोटोग्राफ के मिलते हैं टोटल पर फोटोग्राफ 10 पॉइंट मिलते हैं, तो दो फोटोग्राफ ऐड करिए तो कितने हो गए 40 पॉइंट। मैं हमेशा कहता हूँ इसमें डीजे की बजाय डेकोरेशन वगैरह की फोटो खींच के ज्यादा ऐड करो, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे क्लोज है, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए विदिक और ये फोन नंबर है, क्या जैसे वसी राम जी डालते हैं ना विदिक लिख के फोन नंबर डालते हैं, ठीक है। उस तरीके से आपको लिखा होना चाहिए तभी वो वैलिड है। अगर आपने उस पर नेम टैग मार्क और कंपनी का फोन नंबर नहीं डाला है तो उस फेसबुक पोस्ट को वैलिड हम नहीं मानते। ऐसे ही फेसबुक पोस्ट कर सकते हो, ब्लॉगर पे पोस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। टोटल इन खाली इन वेबसाइटों पर पोस्टिंग करने का फोटोग्राफ और वीडियो पर इवेंट जो आपको मिलता है, मैं बता देता हूँ, फेसबुक से 40 पॉइंट मिला, ब्लॉगर से आपको मिला 120 पॉइंट मिला ब्लॉगर से, ठीक है। ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर जैसे फेसबुक वेबसाइट है, ठीक है, ब्लॉगर की वेबसाइट है, ठीक है, वहां से 120 पॉइंट आपको मिल गया। इंस्टाग्राम से आपको फिर 120 पॉइंट मिल गया, ठीक है, और लिंक्डइन पे आपको वो 120 पॉइंट लिंक्डइन से मिल गया, ठीक है जी, और फिर YouTube से भी आपको 120 पॉइंट मिल गया। तो आपको एक ही इवेंट करने के क्या YouTube का चैनल होना चाहिए ना, YouTube चैनल बना लीजिए, वो मैं बता दी कंपनी आईडी से बनेगा, वो आपके उसी आईडी से बनाइए, सब जगह पे उसी ब्लॉगर यूट्यूब सब जगह उसी आईडी से बनेगा। मैं सिखा दूंगा कैसे बनाना है। सब जो वीडियो है ना वो कम से कम 30 सेकंड से ऊपर का होना चाहिए, 30 सेकंड से नीचे नहीं होना चाहिए। और वीडियो आप 1 मिनट का डालो चाहे 30 सेकंड का डालो चाहे 45 सेकंड का डालो, पर 30 सेकंड का हाँ वो अच्छा भी डालो क्योंकि उस पर व्यू नहीं आएगा अदरवाइज, क्या और व्यू के आपके पॉइंट है, मैं आगे बताऊंगा व्यू के कैसे पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो 620 पॉइंट मिलते हैं एक ही इवेंट के, क्या एक इवेंट के 620 पॉइंट सिर्फ उसकी भी वीडियो और फोटो पोस्ट करने के। तो तुम क्या ग्रुप में फोटो डालने में लगे रहते हो, इंस्टा वगैरह पर आईडी बनाओगे, उसमें जितने भी फ्रेंड ऐड होंगे, क्या इस महीने जितने भी नए फ्रेंड ऐड हुए, ठीक है, पर फ्रेंड ऐड होने पे 10 पॉइंट मिलते हैं आपको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 10 ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि 10 से ज़्यादा भेजोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, वो आईडी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो डेली ज्यादा के चक्कर मत पड़ो, 10-10 रिक्वेस्ट भेजते रहो, अगर उसमें 4-5 लोगों ने भी ओके कर दिया, ठीक है, तो 50 पॉइंट आपके बन जाते हैं, ठीक है। यूट्यूब के आपके चैनल के सब्सक्राइबर बन गए तो आपके पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है जी। पर न्यू व्यू इन एनी आईडी 55 नंबर है कि आपका जितना भी व्यू होगा, क्या फेसबुक पे आपके 40 लोगों ने देखा उसमें व्यू काउंट लिखा हुआ आता है, तो पर व्यू का आपके 1 पॉइंट मिलता है, ठीक है। पर लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी कोई एक लाइक आया तो उसके आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, कितने मिलते हैं 5 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। और पर न्यू कमेंट ऑन द आईडी, कोई बंदा आपके उस पर आईडी के ऊपर आके कमेंट करता है तो उसके आपको कितने मिलते हैं 5 पॉइंट। तो अगर आप ये टेक्निकली यही पूरा एक पैरा देख लो ना, 869 पॉइंट मिलते हैं आपको एक पोस्ट के, यही 44 से लेके, ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आता है वर्किंग, क्योंकि भाई क्या क्या काम, 58 नंबर आपको कहता है, 58 नंबर पॉइंट आर्टिकल कहता है कि वेल्डिंग वर्क, क्या गोडाउन पे किसी ने भी अगर वेल्डिंग का काम किया है, क्या किया है वेल्डिंग का, तो उसके 200 पॉइंट बनते हैं, क्या बनते हैं 200 पॉइंट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 59 है, 59 कहता है कोई भी बॉक्स बनाएगा कारपेंटर का काम करेगा इन गोडाउन, क्या ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गोडाउन टीम को कारपेंटर का काम नहीं आता, अगर वो कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो उस बंदे को कारपेंटर का काम करने वाले बंदे को 300 पॉइंट मिलते हैं, कितने मिलते हैं 300 पॉइंट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 है, इक्विपमेंट पेंट इन गोडाउन, गोडाउन पे किसी भी इक्विपमेंट को पेंट करता है कोई बंदा, तो पर इक्विपमेंट जितने इक्विपमेंट आपने पेंट किए ना, ठीक है, वो उस बंदे को 100 पॉइंट मिलते हैं, क्या मिलते हैं 100 पॉइंट, ठीक है। कार्ड नंबर 61 नंबर है, जो आप लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए भेजा था ना कई बार, कार्ड बांट के हो 61 नंबर कहता है आपको कि जितने भी कार्ड आप सीआरएम में एंटर करते हो, क्या सबके आईडी बना दी, बनवा लो अपने प्रियंका मैम से, ठीक है, सब अपने आईडी बनवाओ, आईडी नंबर फोन नंबर ऐड करते हो सीआरएम में जो पहले से ऐड नहीं है, नया नंबर ऐड होता है, ठीक है, जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, ठीक है, उसके 7 पॉइंट है। मार्केटिंग पर से कार्ड इकट्ठे करके लेके आते हो, क्या तो पर कार्ड आपको 5 पॉइंट मिलते हैं।
ठीक है, तो एक कार्ड से टेक्निकली, क्योंकि एक कार्ड पे दो नंबर होते हैं, तो 14-5 19 पॉइंट मिलते हैं एक कार्ड लेके आने के, क्या एक कार्ड एंटर करना और लेके आना, उसके पॉइंट मिलते हैं 19 पॉइंट। ठीक है, उसके लिए ऑफिस में आना, गोडाउन पे अपना लैपटॉप खोला, अपना लॉगिन आईडी डाला और सीआरएम में लॉगिन किया। व्हीकल क्लीन बाय ड्राइवर, ड्राइवर कोई भी गाड़ी साफ करता है तो उसके 20 पॉइंट मिलते हैं। पर इवेंट ऑपरेटिंग 64 नंबर है, कोई भी ऑपरेटर ऑपरेटिंग करता है या कोई भी गोडाउन का बंदा उस साइट के ऊपर ऑपरेटिंग करता है, क्या जैसे ऑपरेटर नहीं है तो आपने ऑपरेटिंग करी, साउंड चलाया, जो भी करा, उसके 20 पॉइंट मिलते हैं। इसको हम बढ़ाएंगे, इसको हम 50 पॉइंट करेंगे, क्या हाँ इसको 50 पॉइंट हम करेंगे कि जितने भी ऑपरेटिंग आप कर रहे हो तो हाँ 50 पॉइंट आपको मिलेंगे। और गाड़ी की साफ सफाई के 100 पॉइंट, क्या गाड़ी की साफ सफाई अगर आप करते हो तो 100 पॉइंट मिलेंगे। नहीं भाई, अपनी गाड़ी चमचमाती रहनी चाहिए ना, जो भी गाड़ी है वो चमचमाती रहनी चाहिए, गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति को हमेशा गाड़ी, ठीक है, तो उसके 100 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, लेस हॉलीडे, क्या अगर 4 हॉलीडे से कम हॉलीडे करते हो तो अभी इसमें 50 लिखा हुआ, ऐसे इसको 150 पॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, 4 हॉलीडे से अगर किसी का कम हॉलीडे होता है तो पर हॉलीडे 150 पॉइंट आपके पॉइंट में जुड़ जाएंगे, जैसे किसी ने 3 हॉलीडे करे तो 150 पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं आपका 74 नंबर पर, कंपनी को आपके द्वारा किया गया कोई भी इवेंट आप कर रहे हो, ठीक है, याद है प्लाजियो में इवेंट हुआ था, उसमें प्लाजियो में हमारी कंपनी का नाम उन्होंने एलईडी पे प्ले करवाया था कि हमने बहुत अच्छा उनका इवेंट करा। ठीक है, तो कंपनी को कोई भी अवार्ड मिलता है, क्या मिलता है कि भाई अच्छा काम करा या आपकी टीम अच्छी थी, जो भी अवार्ड मिलता है, ठीक है, तो अवार्ड मिलने पे आपको 500 पॉइंट मिलते हैं, हर बंदे को मिलते हैं, क्या उस साइट पे जो भी बंदे थे, सपोज करो साइट पे 9 बंदे थे तो पर हर 9 के 9 बंदों को 500-500 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि उस इवेंट में कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया तभी वो अवार्ड मिला है। ठीक है जी, मोटिवेट 75 नंबर पे, मोटिवेट अदर टीम मेंबर फॉर वर्क, क्या बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं कंपनी में काम करते करते, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, वो बहुत सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक दूसरे को मोटिवेट करना होता है काम के प्रति और कंपनी के प्रति, तो वो हम जजमेंटल होते हैं और उसके पॉइंट मिलते हैं 100, क्या 100 पॉइंट मिलते हैं। क्षेत्रवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रवा पॉइंट ये कहता है एड न्यू मेंबर इन टीम, क्या कंपनी के अंदर आप कोई भी अपना बंदा लेके आते हो, क्या तो वो एक तो ये रहेगा जो बंदा उस बंदे को लेके आता है कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग करवाता है तो वो बंदा अगले 3 महीने के लिए उसी की टीम में रहेगा, क्या रहेगा उसी की टीम में रहेगा। ठीक है, चाहे वो टीम में बेशक से पहले से 8 बंदे हो, एक बंदा और एड ऑन हो जाएगा और अगले 3 महीने तक, क्या अगले 3 महीने तक हाँ उस टीम को 1000-1000 पॉइंट मिलेंगे कोई भी नया बंदा ज्वाइन करता है तो। क्या सपोज करो मैंने तुमसे कहा था फूल वाला बंदा ले आना, क्या अगर आप फूल वाला बंदा ले आते ठीक है तो 3 महीने तक आपके 1000-1000 पॉइंट वहां पे कंफर्म हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1000-1000 पॉइंट का ये है। और अगला है 77वां पॉइंट जो ये कहता है बेस्ट मैन इन द कंपनी बाय वोट। अब व्हाट्सएप पे मैं वोट करवाता हूँ कौन सबसे बेस्ट मैन है, ठीक है, उसको जितने भी वोट मिलते हैं पर वोट 200 पॉइंट मिलते हैं, क्या सपोज करो सारी टीम सबने सबसे ज्यादा जिसको पॉइंट मिले क्या उसको पर वोट 200 बंदे मिलते हैं। बेस्ट टीम कैप्टन ऑफ एमपीए वोटिंग होगी बाय वोट के द्वारा डिसाइड होगा कि बेस्ट टीम कैप्टन कौन है। ठीक है, वोटिंग होगी और एक पेमेंट क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, चालू कर रहा है, मुझे चालू है, चालू है। बेस्ट टीम कैप्टन ऑफ एमपीए 78 नंबर पे है, ये वोट के द्वारा डिसाइड होता है, महीने में 2 बार वोट होती है, हर 15 दिन में, 15 दिन में हम आपको वोट करवाएंगे कि भैया इस टाइम आपके आपका कैप्टन बेस्ट कौन है, क्या जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसके 200 पॉइंट होगी। ठीक है, कैप्टन को, ठीक है जी, तो उसकी टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है जी, जितने वोट के मिलेंगे उसके हिसाब से। अब आता है 80 नंबर से नेगेटिव पॉइंट, क्या नेगेटिव पॉइंट कहाँ कहाँ आपको नेगेटिव मिलता है। ठीक है, पेमेंट कट बाय क्लाइंट, क्या पेमेंट कटेगा तो उसका क्लाइंट ने पेमेंट काट दी, सपोज करो 1000 रुपए काट दी तो कितने पॉइंट कम हो गए, 1 पॉइंट है तो 1000 पॉइंट का कम हो दिए तो 1000 पॉइंट कम हो गया, 3 बंदे हैं तो 350 कम हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आफ्टर इवेंट डिस्काउंट डन, इवेंट खत्म होने पे आपने कर दिया उसको डिस्काउंट दे दिया, क्या
डिस्काउंट पहले डील थी 9000 की, आपने कहा चल पेमेंट नहीं कर रहा डिस्काउंट दे देता हूँ, 1000 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो 1 रुपये का डिस्काउंट, 1 रुपये एक पॉइंट कम, 500 पॉइंट कम किए, मतलब एक तरीके से कंपनी मानती हो पेमेंट कटी है, डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है। रिजाइन टॉक इन ग्रुप, क्या किसी ने रिजाइन के बारे में ग्रुप में बात करी, क्या बात करी ग्रुप में बात, तो 300 पॉइंट था ऐड देनी थी, उड़ जाएंगे, ठीक है। एक बात है सर, हाँ फिर से रिजाइन का बात के ग्रुप में, तो झूठ भी बोल सकता है अगला बंदा, नहीं नहीं ग्रुप में मतलब व्हाट्सएप कैमरा चलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो मेरे पास अगर प्रूफ आ जाता है तो मैं उसके 300 पॉइंट उड़ा दूंगा, ठीक है। रिजाइन टॉक टू विद टीम, क्या ये वही चीज है, टीम से बात नहीं, टीम से बात नहीं करनी है, उसके 300 पॉइंट कट जाएंगे। नो रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप, मैं बहुत सारे टाइम आप लोगों को मैसेज भेजता हूँ, ठीक है। मेरा ये मानना होता है कि अगर नाइट टाइम है तो उसका 1 घंटे में 1.5 घंटे में रिप्लाई आ जाना चाहिए, जब भी आपने वो मैसेज देखा, क्योंकि मेरे पास वो टाइम आ जाता है, आपने मैसेज इतने बजे देखा। नो रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप के 50 पॉइंट है कि आपने व्हाट्सएप पर रिप्लाई, मैसेज तो देख लिया पर रिप्लाई नहीं करते हो, तो उसके 50 पॉइंट उठ जाएंगे, ठीक है जी। अब आता है 85 नंबर, 85 नंबर कहता है डिस्कस अबाउट जॉब विद डीजी कनेक्ट, ठीक है। ये डीजी कनेक्ट के ऊपर कोई भी जॉब के बारे में डिस्कस करना 500 पॉइंट माइनस है, मतलब नहीं समझे इसमें डीजी कनेक्ट, ये था डिस्कस अबाउट जॉब विद डीजी कनेक्ट, मतलब डीजे रिलेटेड किसी भी व्यक्ति, डीजी इवेंट के किसी भी बाहर वाले बंदे के, क्या स्टाफ नहीं जो डीजी इवेंट से कनेक्टेड है या जो लोग जुड़े हुए हैं, क्लाइंट है, ठीक है। आप किसी होटल मैनेजर से मिले, किसी से मिले, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने बोला या कहीं नौकरी लगवा दे, ठीक है, तो दूसरी जगह काम, हाँ दूसरी जगह काम करवा दे मेरा, ठीक है, तो वो पकड़े जाते, तो उसके 500 पॉइंट है, क्या माइनस, ठीक है। 86वां नंबर कहता है नेगेटिव फीडबैक बाय क्लाइंट, क्लाइंट ने अगर कोई नेगेटिव फीडबैक डाल दिया आपके बारे में, उस साइट पे जितने भी बंदे थे उन सब के 300-300 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 87वां पॉइंट कहता है क्लाइंट नाराज हुआ या परेशान हुआ, क्या परेशान हुआ, तो 400 पॉइंट आप लोगों के उड़ जाएंगे। 88 एडवांस सैलरी, क्या जितनी आप एडवांस सैलरी लेते हो उतना आप पॉइंट कम करवा रहे हो अपने, क्या 1000 रुपए दिया एडवांस तो आता भाई, हाँ देख कैमरे पर आता रहे तेरा नहीं आ रहा, 1000 रुपए लिया तो 1000 रुपए वो, अगर कोई आपके टीम का रिजाइन बंदा रिजाइन सबमिट करता है, क्या रिजाइन सबमिट करता है तो उस टीम के 1000 पॉइंट गए, कि कोई भी आया अनिल ने कहा मैं रिजाइन सबमिट कर रहा हूँ, क्या तो उस महीने उसके पॉइंट कितने कम हो गए, हाँ क्योंकि अब की बार जो टीमें बनी है ना वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए है, क्या 6 महीने सिर्फ चेंज कौन होगा, जो इस महीने का कैप्टन है ना वो अगले महीने किसी और टीम में होगा, बट बाकी सदस्य जितने भी हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। जीएसटी नंबर शेयर करो, ठीक है। अब आता है 90 नंबर व्हीकल नॉट क्लीन, जिस ड्राइवर की जिम्मेदारी थी और वो गाड़ी साफ नहीं है तो 20 पॉइंट उड़ जाएंगे, इसको हम पढ़ाएंगे आने वाले टाइम, हो गया जी, हाँ हो गया। अगला पॉइंट है, नहीं हुआ सर अभी तो चालू हुआ, 91वां पॉइंट कहता है नेगेटिव कन्वर्जेशन अबाउट कंपनी, कंपनी को गाली देना, कंपनी के बारे में उल्टे पुल्टे बातें करना, क्या 200 पॉइंट आपके उड़ा सकता है, ठीक है। प्रूफ तो भाई बहुत सारे मिल जाएंगे इस बारे में, तो ठीक है मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग आती रहती है, ठीक है। 92वां पॉइंट कहता है नेगेटिव कन्वर्जेशन अबाउट टीम मेंबर, अपने किसी टीम मेंबर के बारे में उल्टी पुल्टी बात करना, क्या उल्टी पुल्टी बात करना अपने कंपनी के किसी टीम मेंबर के बारे में उल्टी पुल्टी बात करना 200 पॉइंट उड़ा देगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कंपनी में कोई नेगेटिव तरीके की बातचीत हो भी, चाहे बेशक आप दिल से खपा हो पर आप बातचीत नेगेटिव तरीके, क्योंकि आप एक बात छेड़ते हो तो 50 बातें फिर शुरू हो जाती है, ठीक है। 93वां पॉइंट कहता है एक्स्ट्रा हॉलीडे, 4 से ज्यादा छुट्टी माइनस 50 पॉइंट,
94 पॉइंट कहता है विदाउट परमिशन हॉलिडे 100 पॉइंट माइनस हो जाएंगे परमिशन बिना छुट्टी के ली तो। और तुम किसी किस में है क्या? 9 पॉइंट पोस्ट इन एमपीए ग्रुप लास्ट डे माइनस 20 पॉइंट पोस्ट करोगे 50 मिलेंगे नहीं करा तो 20 पॉइंट उठ जाएंगे क्या? पॉइंट पोस्ट करने ग्रुप में क्या जरूरी है उसके पॉइंट उठते भी हैं पर डे पोस्ट करना होता है। कितना पॉइंट था हमारा आज? हाँ ठीक है। गो डाउन नॉट क्लीन एंड नॉट सेटल, मैं राउंड करूंगा मुझे लगा गो डाउन क्लीन नहीं है सेटल्ड नहीं है तो गो डाउन क्लीन पे जो जो बंदे हैं सबके 20 पॉइंट माइनस हो जाएंगे ठीक है। ये हो गया उसके बाद आ गया आपका यही सारे पॉइंट है जो आपके गोडाउन पे बाकी सब ऑफिसर। तो भाइयों बहनों आपको इससे क्या शिक्षा मिली जो बताया वो समझ गए? ये पॉइंट्स को समझो टैली को समझो और समझते हुए आगे बढ़ो। आप सबके पास 6 लाख रुपए है सालाना, कितने हैं? 6 लाख। 6 लाख रुपए का हमने एमपीए सोचा हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस 6 लाख में से कितना कमा सकते हैं। कमा सकते आप अपनी सैलरी से संतुष्ट हैं संतुष्ट रहिए। आप अपनी सैलरी से संतुष्ट नहीं है मत रहिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा कमाना है एमपीए में आइए और भागीदार बनिए एमपीए का। एमपीए क्या है? आपकी जेब में पैसा भरने की दुकान। क्या है? आपको पैसा कमाना है एमपीए में कमाइए। 6 लाख रुपए आपके लिए रिजर्व किया गया है। कितना? 6 लाख। आप 6 लाख में से कितना अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 54 छाप हुए तो आपको 54 ही मिलेगी, चिंता ना करें। अगर आप कमाने वाले हुए तो ढंग से कमा पाओगे। 6 लाख रुपए कम नहीं होता। अगर अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए भी सालाना डाल लिया तो अभी बहुत होता है, आपकी सैलरी का सीधा डबल हो जाएगा। बहुत जरूरी है उस 6 लाख रुपए को अपने लिए रिजर्व करना। तो ध्यान रखे एमपीए है आपकी तरक्की की चाबी। क्या है? तरक्की की चाबी। खोलना जरूरी है ठीक है। तो खोल के रखिए एमपीए की चाबी। हो गया।